तकलीफ क्या है? तकलीफ पेट में तो कुछ है नहीं, पास डॉक्टर ने बोला था। डॉक्टर के पास क्यों गए थे वो मैं जानना चाह रहा हूँ। वो बुखार आ रहा था हाँ, और खांसी जुकाम, बॉडी पेन और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, पेट फ्लॉपटा, ये सब कब से हो रहा है? ये 10 दिन से हो रहा था, और फिर मैंने दवाई पी, और फिर मेरा जो ब्लड टेस्ट में TLC बढ़ा था, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। रिपोर्ट पेपर है उधर देखनी है आपको। बुखार कितना तेज आ रहा था? बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज आ रहा था। झाड़ा लग के है? हाँ। राइट साइड चेस्ट में कुछ पेन हो रहा बेटा? नहीं नहीं, पेन तो कहीं हो ही। खांसी आ रही? हाँ खांसी हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ क्योंकि भाई जो है, भाई का आज पेपर एग्ज़ाम है, तो भाई वो देने गए हैं अपने कॉलेज में, तो इसलिए भाई व्लॉग मतलब इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग मैं ही बना लेता हूँ। और आपने देखा जैसे कि अभी मेरा क्या हुआ हुआ, अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड बेटा, पेट का, हाँ पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ है और वो एकदम नॉर्मल आया है। तो अभी हम जा रहे हैं हार्ट की इको के लिए, तो वो भी देखते हैं कि कैसा आता है। तो चलो गाइस। Hey guys, welcome back to a new vlog। वैसे तो शायद हमने व्लॉग की शुरुआत कर दी है, बट स्टिल मैं भी व्लॉग की शुरुआत कर देता हूँ। आज मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मैं एग्जाम देके आ चुका हूँ और साथ में मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम बचे हैं। एक्चुअली वो बहुत पहले हुए थे लेकिन मैंने पहले वो दिए नहीं थे, तो फिर से वो कराए जा रहे हैं ताकि जिन बच्चों ने वो नहीं दिए वो जाके दे दे, ताकि वो पास हो सके, वरना वो फेल हो जाएंगे और उनके 25 नंबर कट जाएंगे। एंड अगर वो रिटन एग्जाम में पास भी हो गए, बट अगर उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए हैं, तो वो फेल हो जाएंगे, पूरा फेल माना जाएगा। बिकॉज 75 नंबर का जो हमारा रिटन एग्जाम है उसमें अलग पास होना है, एंड प्रैक्टिकल जो 25 नंबर का है उसमें अलग पास होना है। तो भाई सब दोनों में पास होना जरूरी है। तो मैं तो भाई अपनी एक फाइल लेके आ गया दोस्त की, ये अपने ही कॉलेज का एक अपना क्लासमेट है, तो इसकी ये जो पूरी फाइल है, ये पूरी फाइल टेप नहीं है, ये 15-20 पन्नों की फाइल है भाई साहब, और कल जमा करनी है। कल प्रैक्टिकल फाइल अलग जमा करनी है, एंड वाइवा अलग है, बोलना अलग है, दिखाना अलग है, लिखना अलग है, सब करने हैं काम। तो भाई साहब काम करते हैं, क्योंकि एक आधे घंटे में अपना ये जो जिसकी फाइल है भाई आदित्य भाई की, वो लेने आ जाएगा उसको। चलो क्या कर रहे हैं, पागल हो गए क्या? ओ भाई, ओ सब सही है, सिस्टम मस्त सो रहा है भाई, जिंदगी हो तो ऐसी हो भाई, वरना ना ही हो तो अच्छी है। तो साहब उठ गए? गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग हो रही है, गुड मॉर्निंग हो रही है फिर आपके लिए? तो मेरे लिए गुड मॉर्निंग नहीं होती भाई। क्या होती है फिर? गुड नाइट होती सीधे। अरे हो गया बस हो गया। अरे बोल रहे हो क्या भाई? गुड नाइट गुड इवनिंग के हिसाब से हम नहीं चलते, तो गुड नाइट गुड इवनिंग हमारे हिसाब से चलता है, ठीक है ना। चलो भैया अपने कैमरे को रख देते हैं अपने सामने और करते हैं अपना काम भाई साहब। बहुत पन्ने भरने हैं, तो क्यों नहीं काम करते हैं, कान लगाते हैं हेडफोन्स और हेडफोन में गाने सुनते सुनते अपने काम करते हैं फटाफट। कान में बजेंगे गाने और हाथ चलेंगे दबा के। चलो वाणी ते कितने बेहिसाब सोहनी है। कुछ इतने पन्ने हैं जिसमें से मैंने अपने 1-2-3 पन्ने कर दिए हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल कर दिया, लेकिन 3 प्रैक्टिकल मेरे बचे हुए हैं। पर मैं आगे भी लिख रहा था, लेकिन आदित्य आ गया है अपनी कॉपी लेने के लिए, बिकॉज उसको पढ़ना भी है ना, कल वाइवा है, इसमें जो प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं उसी से कल पूछ रहे हैं। और आदित्य से बोल देंगे भाई कि मेरा काम हो गया है, अगर मैं बोलूंगा मेरा काम नहीं हुआ है तो कहेगा भैया ले तो अपना नहीं पड़ेगा फिर वो, तो देखे आता आदित्य को भाई। मैंने फाइल की पन्नों की फोटो ले ली है, तो मैं फोटो से देख के अपना काम कर लूंगा। कहाँ पर आदित्य? आदित्य खड़ा हुआ देखो यहाँ पे। अरे किससे चैटिंग हो रही है? चैटिंग नहीं हो रही यार। ये लो, थैंक यू सो मच यार, हाई फाई यार, काम बना दिया आपने, अपना काम हो गया है पूरा, काम कर लिया मैंने। हेलो कर रहे हो? हेलो गाइस, कल पढ़ना भी है तो। बाय बाय। फटके चार हो गए हैं। चार पट्टी कर ले। तो गैस अभी दिखा रहा हूँ आदित्य को अपनी नई गुरखा। पता कितने की है? कितने की है? एनी गेसेस कितने की होगी? 16-17 लाख। नहीं, ये जो अपनी गाड़ी है ये है 2.6 ER, 2.5 करोड़ की है। 2.5 करोड़ की होगी फिर ये। साफ लिखा है FM 2.6 करोड़। बिल्कुल हल्क हो रही है। हल्क है, थार की बाप है। बहुत दादाजी है, थार की है, बाप भी नहीं है। काम करते करते पैसा मुझे भूख लग गई है, तो मैं खाना खा रहा हूँ। 5 बजे खाना खा रहा हूँ, 5 बजे दाल चावल। किचन में बैठ के खाने का मजा लगे भाई।
बाकी भाई पापा हो चुके हैं रेडी। पापा कहाँ जा रहे हो आप? ये मुझे ये परफ्यूम आ रहा है, ये देखो, ये देखो बच्चों बिल्कुल कहाँ सो रहा है भाई साहब, अपने कंबल के ऊपर। फुल एंजॉय पर्दा है ये। पर्दा सो चुका है यहाँ पे, ये पर्दा है। बेइज्जती क्या कर रहा हूँ मैं? बेइज्जती नहीं पापा, नेचुरल है ये। कौन बोला भाई कि आप पर्दे को सिर्फ पर्दे की तरह यूज कर सकते हो? आप पर्दे को बेडशीट की तरह भी यूज कर सकते हो, ये मम्मी ने आज प्रूफ कर दिया है। ये देखो भाई, ये पर्दा है, कोई कहेगा पर्दा है ये? तू बेटा मार मत दे, मार मत दियो, मार मत दियो, पहले बोल रहा हूँ मैं, मार मत दियो, मार मत, मार मत दियो। अबे इतनी पास से, अबे इतनी पास से कौन मारता है? छोड़, माफ करा। अबे कैमरे में कुछ भी नहीं आ रहा भाई, कुछ भी नहीं आ रहा कैमरे में। हालत खराब हो गई यार। बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, कुछ इतने पन्ने भर दिए मैंने, इतने पन्ने भर दिए अपने। चुलबुल चुलबुल आजा 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 आजा। धन्यवाद। ठंडी हो गई है, दाल आ गई अपनी दाल। मम्मी मेरा पेट खराब हो गया यार, मेरा पेट खराब हो गया यार, सुबह से गए 10 बार चले गए बाथरूम में। पता नहीं यार, मैं तभी गए तभी खाना नहीं खा रहा, मैं सिर्फ सिंपल सिंपल दाल पी रहा हूँ। मेरा मेरी हालत खराब हो गई पता है, 10 बार बाथरूम तो चले गए। चड्डी लेके आ गया, चड्डी लेके आ गया, ये भाग गया वो। चड्डी दे, चड्डी दे, चड्डी ओम की हाई माचो नहीं, अमूल कम्फी, अमूल कम्फी। छोड़ दे यार तू, छोड़ दे चड्डी, चड्डी छोड़ दे प्लीज, ले लो। तो ये अपनी कुछ हैंड राइटिंग है, कैसी लग रही है आप बताओ? रात के बज चुके हैं, एक बज गए भाई, और अभी भी मुझे बाथरूम बुला रहा है बार बार। मैं बार बार बाथरूम जा रहा हूँ, बताया मैं सोते हुए कांप रहा हूँ वैसे करके। तो घर में सब सो गए, किसी को डिस्टर्ब करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे कोई गोली देखी तो मुझे ये मिली पुदीन हरा। तो पता नहीं मुझे किससे ठीक होगा नहीं होगा, पेट तो ठीक कर देता है ये पता नहीं, लेकिन मैं खा रहा हूँ। पता है मेरा कल एग्ज़ाम भी है, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। पता है सुबह सुबह हो रहा था कि एक बार दो बार तीन बार, मैंने कहा चलो नॉर्मल होगा, मेरे होते गया 15-20 बार हो गया यार। कमजोरी कमजोरी आ गई है बहुत ज़्यादा। भगवान ठीक कर दो बस। ये देखो भाई, ओम तो टन होके सो रहा है और मैं चाहकर भी नहीं सो पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, सर में दर्द हो रहा है भयंकर वाला। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 5। गोली खाता हूँ इसे प्लस। पानी की एक बूंद पीते ही पानी निकल जा रहा है पीछे से। देखो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, एक बूंद पानी के पिया, मेरा प्रेशर बन गया है। क्या हो गया है? मतलब कुछ खा ही नहीं सकता मैं, कुछ भी नहीं खा सकता।